नमस्कार, मैं हूं शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर अमरोहा से है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के नेशनल हाईवे 9 पर निकट भारतीय स्टेट बैंक परचून से लदी एलपीटी टाटा 407 पलट गई, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया और यातायात बाधित हो गया। गौरतलब है कि पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र गजरौला के नेशनल हाईवे 9 का है। बता दें कि दिल्ली से चलकर परचून से लदी एलपीटी टाटा 407 डीएल 1 लैब 1975 मुरादाबाद जा रही थी। चालक सूरज सिंह ने बताया कि जैसे ही गाड़ी प्रातःकाल 6 बजे भारतीय स्टेट बैंक के निकट पहुंची तो हाईवे रोड पर डिवाइडर का ढाल होने के कारण चालक कंफ्यूज हो गया, जिस कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बता दें कि यहां पर आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि रोड के बीच में डिवाइडर पर ढाल होने के कारण चालक कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कारण हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंद्र सिंह की रिपोर्ट। सूरज कुमार जी, अभी गाड़ी पलटी पड़ी है आपकी। हाँ जी। कौन सी गाड़ी है ये? ये एलपीटी 407। अच्छा, क्या कैंटर है? नहीं, एलपीटी। अच्छा, एलपीटी गाड़ी है। हाँ जी, टाटा की। कैसे पलटी, क्या मामला, कैसे हुआ? ये डिवाइडर की वजह से यहाँ कुछ दिखाई नहीं, ना कोई सपोर्ट है यहाँ। ये पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ डिवाइडर है क्या है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ। अच्छा, किस समय की बात है ये, किस समय हुआ? ये 6 बजे सुबह। कहाँ से आ रहे थे गाड़ी लेकर? दिल्ली से। कहाँ जा रहे थे? मुरादाबाद। क्या है इसमें गाड़ी में? परचून। किसी को चोट वगैरह तो नहीं जी?